आपका सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर दिन को बेहतरीन बनाना होना चाहिए। एक ऐसा दिन जिसमें आप विजेता हों। मैं हफ्ते के किसी एक दिन या महीने के किसी एक दिन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी ज़िंदगी के हर दिन की, क्योंकि एक एक दिन बर्बाद करके ही ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। वैसे ही एक एक दिन मेहनत करके ही ज़िंदगी आबाद की जाती है। सात से सोमवार को सात से सोच कर रखो कि क्या करना है। माँ से मंगलवार को माँ से मन को काबू में रखो। बा से बुधवार को बा से बुद्धि का इस्तेमाल करो। गा से गुरुवार को गा से गलत चीज़ों को मना कर दो। सा से शुक्रवार को हर तरह के शक को अपने दिल से निकाल दो। सा से शनिवार को एक शानदार जीत की तरफ बढ़ो। रा से रविवार को रा से रुको और देखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। जब भी अपने मन में यह बात आए कि अभी क्या टाइम है, तो टाइम देखने से पहले खुद को याद दिलाना कि ये सही टाइम है, ये एक राइट टाइम है शुरुआत करने का। जब भी आपके मन में ये बात आएगी कि आज कौन सा दिन है, तो खुद को पहले याद दिलाना कि आज जीतने का दिन है। जीवन में दो तरह के लोग ही असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते तो हैं पर कुछ सोचते नहीं। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब कामयाबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगेगी। यही आपका माइंडसेट होना चाहिए, यही विनर का माइंडसेट होता है। जब सारी दुनिया के लूजर एक विनर के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय विनर का माइंडसेट और फोकस केवल अपने काम पर होता है, उसका पूरा फोकस केवल अपनी जीत पर होता है। इसीलिए उसके लिए हर समय शुरुआत करने का सही समय होता है। वो किसी का इंतजार नहीं करता, वो किसी तरीके के बहाने नहीं बनाता, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। उसके लिए हर दिन जीत का दिन होता है, क्योंकि वह दिन रात दिल लगाकर मेहनत कर रहा होता है। जब भी एक विनर रोज सुबह उठता है, तो वह ये सोचता है कि उसे आज क्या क्या करना है। वो ये नहीं देखता कि उसके पास पहले से क्या कुछ है, उसने क्या क्या हासिल कर रखा है, वो कितना महान है या कितना शानदार है। वो हमेशा कुछ नया करने और कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है, और उसकी यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यही सोच उसे कुछ नया और बड़ा करने के लिए हमेशा उकसाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता, बल्कि आप खुद को रोकते हो। तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, एक बार सोचो। अगर तुम्हारे अंदर जोश है कुछ कर दिखाने का, तो अपने एक एक दिन की कीमत को समझो। बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस दुनिया में केवल जीतना ही सब कुछ होता है, केवल सफलता हासिल करना ही सब कुछ होता है। लेकिन ये भी एक सच है कि सब कुछ तभी मिलता है जब आप एक विजेता बनते हो, जब आपको सफलता मिलती है। अगर आप एक बेवकूफ और नासमझ इंसान की तरह सोचोगे, तो वैसे ही जिंदगी मिलेगी। अगर आप एक सफल और समझदार इंसान की तरह सोचोगे, तो आपको उसी तरह ज़िंदगी मिलेगी। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत हो तो सब कुछ अच्छा होगा। जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो, उसको करने में हम सफल तो हो जाते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो, उसे करने पर हम श्रेष्ठ हो जाते हैं। याद रखिए, सबके ज़िंदगी में हर समय सब कुछ सही नहीं चल रहा होता, लेकिन जो बुरी परिस्थितियों में भी सही काम करता जाता है, आखिर में एक दिन उसी की जीत होती है, उसी को सफलता मिलती है और वही विजेता कहलाता है। कभी भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा मत सोचना कि तुम इस दुनिया में हारने के लिए आए हो। याद रखो, तुम्हारा जन्म जीतने के लिए हुआ है। दोस्तों, विजेता वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, विजेता वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। लेकिन अगर उसे किसी छोटी सी हार का सामना करना भी पड़ता है, तो वो उस हार से बहुत कुछ सीख लेता है, फिर दोगुनी रफ्तार से और ताकत से आगे बढ़ता है। उसका माइंड सेट होता है कि मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से जीत कर ही जाऊँगा, और इसके लिए उसके जीवन का हर समय शुरुआत करने का सही समय होता है और हर दिन जीत का दिन होता है। तो कभी अगर तुम्हारा हौसला टूट जाए, तो आईने में खुद को देखना और बोलना कि मैं एक विजेता हूँ, मैं जीतने के लिए आया हूँ, मैं संघर्ष करूँगा, मैं लड़ूंगा, मैं तकलीफ में भी जी लूँगा, लेकिन कभी हार नहीं मानूंगा, और मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में मदद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।